बालाघाट में महाविद्यालय में शिक्षकों की लापरवाही एवं छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के द्वारा उत्तर पुस्तिका की जांच में गड़बड़ी का आरोप छात्र छात्राओं द्वारा लगाया जा रहा है। इस वर्ष रिजल्ट में संतुष्टि नहीं होने से छात्र छात्राओं ने ज्ञापन दिया। आपको बता दें कि बालाघाट महाविद्यालय में शिक्षकों की लापरवाही के बारे में प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया, परंतु इस विषय में किसी प्रकार से निराकरण नहीं किया गया। फलस्वरूप इस वर्ष MSc के छात्र छात्राओं का रिजल्ट सही नहीं आने के कारण छात्र छात्राओं का साल बर्बाद होने की समस्या उत्पन्न हो गई। अभी भी शासन प्रशासन मौन धारण करके बैठे हुए हैं। NSUI के जिला अध्यक्ष ऋषभ सहारे द्वारा बताया गया कि हम छात्र छात्राओं की यह मांग है कि सभी विषयों की कॉपी पुनः जांच की जाए और जांच की इस प्रक्रिया को निःशुल्क किया जाए, जिससे महाविद्यालय द्वारा उन्हें गलती को सुधारा जा सके और छात्र छात्राओं का साल बर्बाद होने से रोका जा सके। प्रशासन को चेताया जा रहा है, छात्र छात्राओं की समस्याओं का निदान नहीं किया गया तो NSUI एवं बालाघाट जिले के कॉलेज के साथ PG कॉलेज को बंद करके चक्का जाम और छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय का पुतला दहन किया जाएगा। बताइए आपका नाम। मेरा नाम ऋषभ सारे, NSUI अध्यक्ष, PG कॉलेज। बताइए आज तो किस विषय को लेकर हंगामा हो रहा था? छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में जो कॉपी चेक हुई है उसमें कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की पूरी गलती समझ आ रही है और प्राचार्य महोदय की भी पूरी गलती आई है। जो किसी प्रकार से प्राचार्य महोदय इसमें कोई भी संज्ञान नहीं रहा इस विषय में। कई बार हमने इस विषय में लेटर दिया, हमने कलेक्ट्रेट में दिया, प्राचार्य महोदय को दिया और कुलपति के नाम में भी लेटर दिया, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसमें आज हम लोगों ने तालाबंदी करा, पर इसमें हमें ऐसा लग रहा है कि लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। और जो कॉफ़ी खुलाने की बात कर रहे प्राचार्य महोदय, ये पैसा जाकर है 2500 से 3000 स्टूडेंट है पूरे बालाघाट जिले में जो फेल हुए MA और MSc में। तो ये जो 150 से 200 रुपये कॉफ़ी खुलाने से लिया जा रहा है और कॉफ़ी खुलाया तो जा रहा है, पर इसमें जो नंबर है सिर्फ नंबर की चेकिंग होगी। ये नंबर कॉफ़ी में जो नंबर डले रहते हैं सिर्फ इसको चेक होगी, री चेक नहीं किया जा रहा है। ये री टोटलिंग की जगह में हम री चेक मांगते हैं, री चेक किया जाए और ये प्रक्रिया पूरी निःशुल्क हो। अगर आने वाले 10 दिनों के भीतर में अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो हम मध्य प्रदेश के NSUI के छात्र संगठन, जो हमारा छात्र संगठन है, हम सभी सदस्यों को बुलाकर अम्बेडकर चौक को जाम करके हम चक्का जाम करेंगे और पुतला दहन करेंगे कुलपति का भी और प्राचार्य महोदय का। मेरा नाम पद्मिनी कुमार है, मैं MA 3rd सेम की छात्रा हूँ। बताएं आज किस विषय को लेकर तालाबंदी का किया गया? रिजल्ट बहुत बेकार आया है, ये रिजल्ट हमने बनाकर लाया। क्या चाह रहे हैं बाबू? रिजल्ट में सुधार करना। प्राचार्य के द्वारा क्या कहा जा रहा है बार बार? हम कुलपति जी से बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो अगला कदम क्या होगा, क्या करेंगे आप? सरकारी संपत्ति तहस नहस हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं होगा। हम सविता नकुरे हैं, हम ग्राम जाकुर से आते हैं, हम इकोनॉमी से 1st सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। हमारे क्लास में 6 बच्चे पास हुए, 30 को 88 मिला, 81 लोग फेल हुए। कुछ को शून्य नंबर मिला, किसी को 1 नंबर मिला, किसी को 4 नंबर मिला। और हमारी मांगे हैं कि कॉलेज द्वारा हमारी कॉपी खुलवाई जाए और डबल से हमारा रिजल्ट बना करके दिया जाए। प्राचार्य द्वारा क्या कहा जा रहा है? प्राचार्य सर बोल रहे हैं कि तुमको भरोसा है अपने आप पे, तो अपने पैसे से कॉपी खुलवाई जाए, अपने पैसे से कॉपी खुलवा करके डबल से रिजल्ट देखा जाए। प्राचार्य सर का कहना ऐसा है कि अपने पैसे से कॉपी खुलवा। आप लोग नहीं चाहते हैं? हम ऐसा नहीं चाहते, हम ऐसा चाहते हैं कि हमारी कॉपी कॉलेज द्वारा, मतलब कि कॉलेज के पैसे से ही हमारी कॉपी खुलवाया जाए और हमारा रिजल्ट दोबारा बना करके। बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।